नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र कापरी फैमिली ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज तरोई के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर तरोई की खेत में अगर इस तरह का सूख रहा है फल, एकदम नहीं मतलब फ्रूट नहीं बन रहा है अगर, तो मैं इसके लिए एकदम घरेलू उपचार बताऊँगा दोस्तों। एकदम 100% लगेगा दोस्तों, एकदम पूरा फल आएगा एकदम। अगर इस तरह का सूख रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से सूख जाता है फल, सब फल नहीं लगता है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, खेत में कोई बीमारी नहीं है और कोई कीट का भी प्रकोप नहीं है, फिर भी फल नहीं लगता था दोस्तों। लेकिन मैं ऐसा काम किया कि एकदम पूरा फल लग रहा है दोस्तों, आप लोगों को वो ज़रूर दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से फल सेटिंग हो रहा है, एकदम पूरा फल सेटिंग हो रहा है दोस्तों। देख लीजिए, एक दो जगह था ना, पूरा देख लीजिए किस प्रकार से, पहले एक भी नहीं लगता था दोस्तों, एकदम सब एकदम सूख के गिर रहा था। देख लीजिए, एक दो जगह तक एकदम पूरा एकदम सेटिंग हो गया दोस्तों। देख लीजिए, हर एक जगह मिलेगा आपको दोस्तों। हम लोग घरेलू उपाय बताए थे, हम लोग ये पोलिनेशन का काम करते हैं दोस्तों। देख लीजिए, ये वाला फूल तोड़ लिए, देखिए ये वाला, देख लीजिए इसको तोड़ लिए दोस्तों। उसके बाद इसको तोड़ने के बाद जैसे देखिए इसमें फल है, देखिए इसमें फल है दोस्तों, बढ़िया से देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं, बढ़िया से देख लीजिए दोस्तों। और ये वाला फूल है, इसको टच इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। देख लीजिए, ये बीच वाला भाग, ये वाला भाग इस वाला बीच मतलब बीच में सड़ जाना चाहिए, इस तरह का फटाफट सटा देते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से हम लोग मतलब पोलिनेशन का काम करते हैं दोस्तों, और तब जाके एकदम पूरा फल सेटिंग हो रहा है दोस्तों, एकदम पूरा। क्योंकि इस साल मधुमक्खी एकदम है नहीं दोस्तों, एक भी नहीं है, पूरा खेत में घूमिएगा तो एक भी नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग वो कार्य करते हैं और उस कार्य से एकदम पूरा एकदम फायदा मिल रहा है दोस्तों, हम लोग को पूरा फल सेटिंग हो रहा है पूरा एकदम दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग सब मिलके प्रत्येक दिन मतलब शाम के टाइम में इस तरह का मतलब फ्लावर को पॉलिनेशन करते हैं दोस्तों। देख लीजिए, प्रत्येक दिन, इस साल मधुमक्खी नहीं है इसीलिए हम लोग को इस तरह का करना पड़ता है। देख लीजिए,